तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए फिर से बहुत ही आसान और यूजबल जो डे बाय डे यूज होता है वैसा इडियम लेकर आया हूँ। चलिए बिना टाइम गमाए हुए अब देखते हैं वो इडियम क्या है। देखिए पहला क्या है, ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग गुड लक, इसका यूज कर सकते हैं आप। गुड लक जहाँ बोलते हैं, गुड लक मैन, गुड लक फ्रेंड्स, वहाँ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, कट कॉर्नर्स, टू डू समथिंग इन द फास्टेस्ट और इजियर और चीपेस्ट वे। ठीक है, टू डू समथिंग इन द फास्टेस्ट इज इजियर, ऐसा काम जो हम तेजी से आसानी से कर सकते हैं, तेजी और उसमें आसानी से कर सकते हैं, उसे कट कॉर्नर्स कहा जाता है। इजी डज इट, इजी डज इट मतलब यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग केयरफुली और स्लोली, ऐसा काम जो कोई कर रहा है उसे सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे कर रहा है उसे इजी डज इट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, देयर मीनिंग विल बी टोटली डिफरेंट। यहाँ पे डिफरेंट है, कह रहा है कि एवरी निगेटिव हैज अ पॉजिटिव, जितने भी नकारात्मक कार्य है ठीक है उसे एक पॉजिटिव सेंस भी होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, टू गेट आउट ऑफ हैंड, देयर मीनिंग विल बी टू बिकेम डिफिकल्ट टू कंट्रोल, इसका अर्थ हो गया कि कोई ऐसा काम है जो बहुत ही कठिन है, ठीक है उसको कंट्रोल करना आसान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, गुड थिंग कम्स टू दोज हु वेट, गुड थिंग कम्स, अच्छे वस्तु आते हैं दोज हु वेट, जब वो उसे आसानी से धैर्य पूर्वक कार्य करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बी पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, सेवन नंबर में देखिए, टू हिट द नेल ऑन द हेड, देयर मीनिंग विल बी टू गेट समथिंग एग्जैक्टली राइट, इसका अर्थ ये हो गया कि मान लीजिए कोई दोस्त है बॉलिंग कर रहा है, ठीक है वो एग्जैक्टली वो सोचा पहला स्टंप पे हिट कर रहा है, ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द स्टंप जो है होता है उसको किया और बोला और कर दिया, उसको यहाँ पे यूज करते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, टू हिट द सैक, देयर मीनिंग विल बी टू गो टू बेड फॉर रेस्ट और स्लीपिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, इट्स मीनिंग इज यूज टू से दैट यू डू नॉट थिंक समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट और हार्ड टू अंडरस्टैंड, करा कि यह वो उतना कठिन भी नहीं है या आसान भी नहीं है जिसे तुम कह सकते हो कि इजी वे में कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू रिवील ए सेक्रेट, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा सेक्रेट वस्तु है या कोई बातचीत है या उसके बोल सकते हैं जिसको रिवील कर रहा है, सबके बारे में उसका सेक्रेट बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, वंस इन ए ब्लू मून, ये बहुत ही आसान है ठीक है और ये बार बार यूज भी होता है, वंस इन ए ब्लू मून, रेयरली वेरी इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है कभी कभार दिखने वाला उसे वंस इन ए ब्लू मून कहा जाता है। और लास्ट देखिए दोस्तों क्या है, टू सी आई टू आई, देयर मीनिंग इज एग्री, आई टू आई मतलब दोनों वो सहमत है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।